बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो आपके प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है, और हम प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लर्निंग को देखा, उसकी डेफिनेशन को देखा, और साथ में टाइप्स ऑफ लर्निंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर जो है उसको डिस्कस किया। आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ओके, व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जो है वो क्या होती है। दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ लर्निंग। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, वी लर्न बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन इन एडिशन टू ट्रायल एंड एरर और इनसाइटफुल लर्निंग। यानी डिफरेंट जो है वो तरीकों के ज़रिए से हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से हम चीज़ों को लर्न करते हैं, और इसके साथ साथ हम ट्रायल एंड एरर और इंसाइटफुल लर्निंग भी इसके साथ साथ जो है वो चलती है। अ चाइल्ड में अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ अ रॉन्ग बिहेवियर बाय सीइंग हिज फ्रेंड गेटिंग पनिश फॉर द सेम। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे को अगर किसी दोस्त को उसके रॉन्ग बिहेवियर की वजह से सज़ा मिलती है, तो वो उसी चीज़ से जो है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, ना सिर्फ अंडरस्टैंड करता है बल्कि वो अपने बिहेवियर के अंदर जो है इस चीज़ के ये तब्दीली लेकर आता है, या ये वो जान जाता है कि अगर वो उस तरह का बिहेवियर अपनाएगा जिसके ऊपर पनिशमेंट मिलती है, तो वो अपना उस बिहेवियर को नहीं अपनाएगा। यानी वो सीख जाता है या वो लर्न करेगा ऑब्जर्वेशन के थ्रू। यानी उसने देखा कि एक रॉन्ग बिहेवियर पर उसके फ्रेंड को सज़ा मिली, पनिशमेंट मिली, तो अब उसकी कोशिश होती है, कोशिश होगी कि वो उस बिहेवियर को ना अपनाए। इस तरीके से बच्चे जो है वो लर्न करते हैं। और लर्निंग प्रोसेस, जैसे कि हमने मैंने पहले भी आपको बताया कि फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द चाइल्डहुड पीरियड से लेकर, सॉरी चाइल्डहुड पीरियड नहीं बल्कि आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद से ही जो है, इन्फेंसी पीरियड से ही जो है ये लर्निंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। और ऑब्जर्वेशन, बच्चे जो है ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से सीखते हैं। वो जैसा देखते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने इर्द गिर्द लोगों को करता हुआ, वो वैसा ही करते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन मेथड सारी ज़िंदगी हमारे साथ जो है वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग चलती है। चिल्ड्रन लर्न एंड इमिटेट बिहेवियर दे हैव ऑब्जर्व इन अदर पीपल और फैमिली मेम्बर्स। यानी वो दूसरे फैमिली मेम्बर्स और लोगों को जैसा करते हुए देखते हैं, वो उसी की जो है इमिटेशन करते हैं, उसी की नकाली करते हैं, और उन चीज़ों को सीखते हैं और वैसा ही जो है वो करने की कोशिश करते हैं। नॉट ऑल ऑब्जर्व बिहेवियर इज लर्न। एक और चीज़ जो है वो ये है कि हर चीज़ जो ऑब्ज़र्व की जाती है वो सीखी नहीं जाती या वो लर्न नहीं हो जाती। हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर, बहुत सारी यानी कि ऑब्जर्वेशन प्रोसेस के ज़रिए से सिर्फ सेलेक्टिव जो चीज़ें हैं उनको जो है वो सीखा जाता है। ये फर्दर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन मेनली इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स सच एज अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड द मोटिवेशन। ये फोर फैक्टर्स जो हैं, फोर एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग कहलाते हैं। इनको भी हम आगे जाकर डिटेल से इनके ऊपर बात करें। What is the observation learning? The learning that occurs by observing the behavior of a model is called the observational learning. यानी ऐसा learning process जिसके जो के किसी behavior या किसी model को जिस सामने मौजूद जो फर्द होता है या कोई भी organism है उसको देखने के बाद हम उसको learn करते हैं, उससे सीखते हैं, ये observational learning कहलाती है। A tremendous amount of learning happens through this process of watching and imitating others, और दूसरे लोगों को देखकर या उनकी नकाली करके एक हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है a tremendous amount of learning जो है वो हम सीखते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए से। और जैसे चाइल्डहुड में हमने या इन्फेंसी पीरियड से लेकर टिल एज तक जो है हम ऑब्जर्वेशनल मेथड को यूज़ करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय वॉचिंग व्हाट अदर्स आर डूइंग। यानी ये वो प्रोसेस है लर्निंग का जिसके अंदर हम सीखते हैं दूसरों को देखकर कि दूसरे क्या कर रहे हैं, जैसा वो करते हैं हम उनको देखकर वैसा ही करते हैं। द पर्सन हु इज़ वॉच्ड
इज कॉल्ड द मॉडल, और जिसको देख कर सीखा जाता है वो मॉडल जो है वो कहलाता है. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज समटाइम्स आल्सो रेफर टू एज शेपिंग मॉडलिंग एंड विक्वेरियस रीइंफोर्समेंट. ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो होती है वो बाज़ औक़ात जो है इसको हम रेफर करते हैं, या हम इसको कह सकते हैं इसको शेपिंग, यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर ढल जाना, शेप अप हो जाना, उससे इसको तशबीह दी जाती है. मॉडलिंग भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि मॉडलिंग के अंदर क्या होता है कि आप मॉडल को देखकर उसको ऑब्जर्व करके देन आप सीखते हो. एंड विकेरियस रीइंफोर्समेंट से मुराद ये होता है कि एक्सपीरियंस्ड इन द इमेजिनेशन थ्रू द फीलिंग और एक्शंस ऑफ अनदर पर्सन, यानी दूसरे पर्सन के एक्शंस और उसकी फीलिंग्स को अपने इमेजिनेशन में ना सिर्फ महसूस करना बल्कि उसके तरीके से उसी तरह से एक्ट करना जो है वो विकेरियस रीइंफोर्समेंट जो है वो कहलाता है. ऑब्जर्वेशन लर्निंग द रेप्लिकेशन ऑफ अदर्स बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन. जैसे हम जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग से मुराद जो है वो दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना या उनकी निकाली करना, या लर्निंग का वो प्रोसेस जिसमें हम अदर्स बिहेवियर को की तरह जो है वो परफॉर्म करते हैं उनको देखकर या उनकी निकाली करके. ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज आल्सो कॉल्ड द मॉडलिंग एंड सोशल लर्निंग. इसको सोशल लर्निंग भी कहा जाता है, मॉडलिंग भी कहा जाता है. इस सिलसिले में ऑब्जर्वेशन लर्निंग पर जो सबसे ज़्यादा काम किया स्पेशली मॉडलिंग के ऊपर वो एल्बर्ट बेंडूरा ने किया. एल्बर्ट बेंडूरा बिलीव दैट डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट कुड नॉट अकाउंट फॉर ऑल लर्निंग दैट अकर्स. ये कॉन्सेप्ट था कि किसी भी बिहेवियर को जब आप तकवियत पहुँचाते हैं, उसको रीइंफोर्स करते हैं, या किसी के साथ हम पनिशमेंट जो है वो एसोसिएट कर देते हैं, तो उसके होने के चांस जो होते हैं वो कम होते हैं. जबकि जिस बिहेवियर को, जिस एक्शन को रिइंफोर्स किया जाता है, उसके करने के या उस लर्निंग का जो होता है वो जल्दी चीज़ें लर्न हो जाती हैं उनके थ्रू. लेकिन उन्होंने इसको डिनाई किया और उन्होंने क्वेश्चन रखा कि व्हाट अबाउट व्हेन चिल्ड्रन कॉपी द बिहेवियर ऑफ देयर पेरेंट्स. यानी क्या होता है जब बच्चे अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को कॉपी कर रहे होते हैं. When no reinforcement is given, और जबकि उस वक्त कोई किसी किस्म की reinforcement या तकबीयत उनको नहीं दी जा रही होती, इट्स मीन कि वो ऑब्जर्वेशन मेथड के ज़रिए से, मॉडलिंग के ज़रिए से जो है इस काम को करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं और चीज़ों को लर्न करते हैं. अकॉर्डिंग टू बेंडूरा, सेल्फ एफिकेसी विच रिप्रजेंट द पीपल्स बिलीव दैट दे हैव द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म बिहेवियर्स that will produce a desired outcome is a key motivational factor in observational learning. Bandura ke mutabik jo self efficacy hai wo observational learning mein ek motivational factor jo hai wo rakhti hai. Self efficacy hoti kya hai? Isse murad ye hota hai ki ek person apne upar jo hai, apni salahiyaton ke upar jo hai wo zyada believe karta hai, और ये उसके सेल्फ एफिकेसी जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है उसके कॉन्फिडेंस को इन द एबिलिटी टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर वंस ओन मोटिवेशन बिहेवियर एंड सोशल एनवायरनमेंट. और उसकी इसी खसूसियत की बिना पर कि वो उस तरह से परफॉर्म कर सकता है या उसके अंदर सलाहियत है कि वो दूसरों की तरह जो है वो परफॉर्म कर सकता है, उसके अंदर एक डिज़ायर जो है वो पैदा होती है और या वो दूसरों की तरह बन सकता है. ये डिज़ायर जो होती है ये उसको एक मोटिवेशनल फोर्स जो है वो देती है, जिसके बिना पर फर्द जो है वो उसी तरीके से बिहेव करता है, उसी तरीके से लर्न करता है जैसे कि वो दूसरों को देखता है. इट्स मीन के सेल्फ एफिकेसी जो है इसके अंदर फर्द के अंदर एक मोटिवेशन उसकी एबिलिटी है या उसकी हम कह सकते हैं कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल है जिसके बिना पर वो चीज़ों को सेम उसी तरीके से करता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू जैसे कि दूसरे लोग जो हैं उस पर कर रहे होते हैं, या दूसरे इसको हम कह सकते हैं मॉडल के तौर पर जो है वो उनको लेता है और वैसे ही जो है वो बिहेव करता है. इस सिलसिले में अल्फ्रेड बेंडूरा ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए
और इनका एक एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द बोबो डोल एक्सपेरिमेंट। अल्बर्ट बेंडूरा ने एक बोबो डोल एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। वो क्या था, इस यहाँ पर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। हाउ डज ऑब्जर्वेशन लर्निंग वर्क? इन हिज फेमस बोबो डोल एक्सपेरिमेंट, बेंडूरा डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट यंग चिल्ड्रन वुड इमिटेट द वायलेंट एंड एग्रेसिव एक्शन ऑफ एन एडल्ट मॉडल। उसने ये बात सामने रखी या उसने ये बात की इस एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से, इस तजर्बे के ज़रिए से, कि बच्चे जो हैं, यंग चिल्ड्रन ख़ास तौर पर, इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं वायलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर एक्शंस जो होते हैं, एग्रेसिव गुस्से वाले जो एक्शंस होते हैं वो एडल्ट मॉडल्स जो हैं उनसे सीखते हैं। यानी अगर उनके बड़े या उनसे सीनियर्स जो लोग हैं वो उनके सामने झगड़ते हैं, लड़ते हैं या एग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर रखते हैं तो बच्चे उसी तरह से निकाली करते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने एक जो है वो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया। इन द एक्सपेरिमेंट चिल्ड्रन ऑब्जर्विंग अ फिल्म इन विच एन एडल्ट रिपीटेडली हिट अ लार्ज इन्फ्लेटेबल बैलून डॉल। इसमें दिखाया गया कि एक इस एक्सपेरिमेंट में एक फिल्म दिखाई गई और उसमें देखा गया कि एक एडल्ट है, एक बड़ा बच्चा है या बड़ा फर्द है, और वो एक बड़ी और लार्ज जो है बैलून डॉल जो है, इन्फ्लेटेबल बैलून डॉल है, उसको वो हिट कर रहा है और बार बार उसको हिट कर रहा है। आफ्टर व्यूइंग द फिल्म क्लिप्स चिल्ड्रन वर अलाउड टू प्ले इन अ रूम विद अ रियल बोबो डॉल जस्ट लाइक द वन दे सॉ इन द फिल्म। और उन्होंने उसके बाद, उनको क्लिप्स दिखाने के बाद बार बार क्लिप्स दिखाया और उसके बाद रूम के अंदर उनको एक वैसी ही बोबो डॉल जो है वो प्रोवाइड की गई और देखा गया कि अब क्या रिएक्शन होता है। व्हाट बेंडूरा फाउंड वाज दैट चाइल्ड वर मोर लाइकली टू इमिटेट द एडल्ट्स वायलेंट एक्शंस व्हेन द एडल्ट आइदर रिसीव्ड नो कॉन्सिक्वेंसेस और व्हेन द एडल्ट वाज एक्चुअली रिवॉर्डेड फॉर देयर वायलेंट एक्शंस। यहाँ पर जो है उन्होंने देखा कि बच्चे ने वही चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस की और उसने वही एक्शन किए, उसी तरीके से निकाले कि जैसे कि वो एडल्ट जो है फर्ड जो है उस बोबो डॉल के साथ कर रहा था। और उन्होंने देखा कि हालांकि इस जो वायलेंट एक्शन थे इसके पीछे ना तो कोई उसको एक्चुअली कोई रिवॉर्ड मिला था या उसका किसी भी किस्म की पनिशमेंट से या किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं था, लेकिन बच्चे ने उस चीज़ को इमिटेट किया, वैसे ही निकाले की और उसी तरीके से बिहेव किया। चिल्ड्रन हु सॉ फिल्म क्लिप्स इन विच द एडल्ट वाज पनिश्ड फॉर दिस एग्रेसिव बिहेवियर वर लेस लाइकली टू रिपीट द बिहेवियर लेटर ऑन। एक और सेकेंड यानी कि उसके अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर इसी बोबो डॉल के साथ जब फर्ड जो है उसके साथ एग्रेसिव बिहेवियर अपना रहा था, फाइट कर रहा था, तो उसको इस सिलसिले में पनिशमेंट दी गई और देखा गया कि बच्चा जब ये चीज़ देखता है कि उसको गलत बिहेवियर करने पर पनिशमेंट दी गई, तो देखा गया कि जब अकेले में उस बच्चे को बोबो डॉल दी गई तो उसने जो है उसके साथ उस तरह का एग्रेसिव बिहेवियर नहीं अपनाया या कम उसने एक्शन लिए। इट्स मीन कि बच्चे जो है वो उन बिहेवियर्स को अपनाते हैं जो कि वो देखते हैं और जैसा वो देखते हैं वैसा ही वो करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे जो होते हैं वो नेक फितरत होते हैं, एक प्लेन स्लेट के मानिंद होते हैं, जैसा आप उनके सामने पोर्ट्रे करते हैं वो वैसे ही आपसे सीखते हैं। आप उनको अच्छा सिखाते हैं, अच्छा देखते हैं तो वो अच्छा जो है बिहेव करते हैं, और बच्चों को नहीं, हम पूरी ज़िंदगी हम देखते हैं कि हम जिन जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती हैं, जिन चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। और ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो है वो थ्रू आउट चलती है। सो दैट इस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में बेंडूरा ने इस बात को जो है वो प्रूव किया कि बच्चे इमिटेट करते हैं, बच्चे इमिटेशन के ज़रिए से, मॉडलिंग के ज़रिए से जो है
और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और इतना ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो उसको ऑब्ज़र्व अपनी लर्निंग का हिस्सा बना लेते हैं। यहाँ इसके अंदर वो क्लिप्स आपको दिखाए गए हैं कि किस तरीके से पहले दिखाया गया कि एक एडल्ट पर्सन जो है वो एक जो बोबो डॉल है उसके साथ किस तरीके से फाइट कर रहा है, उसको मार रहा है, उसको पंचिंग कर रहा है, और फिर जब बच्चे को वो प्रोवाइड की गई तो बच्चे ने भी वही एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया, शो किया, जो कि उसके अंदर जो है वो क्लिप्स के अंदर जो है वो दिखाया गया था। और यहाँ डिफरेंट एजेस के बच्चे जो है उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया और उन्होंने उसी चीज़ को अपनाया जैसा कि उन्होंने ऑब्जर्व किया या उन्होंने देखा। हेयर वुल डिस्कस द हाउ ऑब्जर्वेशन लर्निंग अकर्स, यानी हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग का जो है वो बाइस बनते हैं। देर आर फोर फैक्टर्स एक्चुअली विच आर इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशन लर्निंग। फर्स्ट वन इज़ अटेंशन, नंबर टू इज़ द रिटेंशन, नंबर थ्री इज़ द रिप्रोडक्शन एंड नंबर फोर इज़ द मोटिवेशन। First of all, we discuss the attention. Attention means to learn anything, you need to be paying attention. यानी किसी भी चीज़ को जब आप लर्न कर रहे होते हो तो उसके ऊपर आपको फुल फोकस करना होता है, फुल अटेंशन देना होता है। एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन कैन मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर वट यू आर लर्निंग। और अगर इसके दरमियान में किसी किस्म की डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो आप जो भी चीज़ याद कर रहे होते हो, लर्न कर रहे होते हो, उसके अंदर डिफ़िकल्टी जो है वो पैदा होती है, उसके अंदर मुश्किल पैदा हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पढ़ रहे हैं, आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं और आपकी तवज्जो फुल उसके ऊपर है, तो आप देखेंगे कि आपको वो आराम से लर्न हो रहा होगा, याद हो रहा होगा। लेकिन अगर कोई किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन इसमें आ जाती है, मसलन शोर उठ जाता है, कोई और अचानक से आपके रूम के अंदर कोई और आ जाता है, लाइट चली जाती है, कोई और फैक्टर हो जाता है, यानी किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो अपने पॉइंट से, तो आप देखते हो कि आप चीज़ों को सही तरीके से लर्न नहीं कर सकोगे। द सेकेंड थिंग इज रिटेंशन। रिटेंशन मीन यू मस्ट बी एबल टू स्टोर और रिटेन द रीइंफोर्समेंट इन्फॉर्मेशन यू हैव लर्न इन योर ब्रेन। यानी आपने जो भी इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में स्टोर की है, आपने यानी कि जो कुछ भी लर्न किया है, वो आपके ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन कितने हद तक जो है वो स्टोर है, कितने हद तक जो है वो उसकी जो है हम कह सकते हैं कि वो रिटेन है, यानी कि स्टोर है, आपने उसको महफूज किया हुआ है, हाफ़ज़ा। ठीक है, तो मैनी फैक्टर्स लाइक एज एंड हेल्थ कैन इम्पेक्ट मेमोरी रिटेंशन। बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमारी मेमोरी रिटेंशन यानी हमारे जो हाफ़ज़ा होता है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी एज फैक्टर है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा मेमोरी लेवल जो है अब कम होता चला जाता है, तो सो दैट हम चीज़ों को उस तरीके से लर्न नहीं कर पाते जैसे कि हम एक अर्ली एज के अंदर करते हैं। इसी तरीके से हमारी हेल्थ है, अगर आप फ्रेश हैं, आप सेहतमंद हैं, आप किसी किस्म की बीमारी का शिकार नहीं है, तो आपका लर्निंग प्रोसेस तेज़ होता है। लेकिन अगर आप बीमार हैं या आपकी हेल्थ सही नहीं है या आप फ्रेश नहीं हैं या और बहुत से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारी मेमोरी रिटेंशन हो सकती है, तो सेकंड जो थिंग है वो है रिटेंशन, कि हम किसी लर्न की हुई चीज़ को जो कि हमने लर्न की ऑब्जर्वेशन मेथड के ज़रिए से, हमने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, उसको हमने पूरी तवज्जो दी और उसको हमने अपने दिमाग में किस हद तक महफूज किया। देन थर्ड वन इज़ द रिप्रोडक्शन, यू मस्ट मिमिक और रिप्रोड्यूस द बिहेवियर यू हैव लर्न फ्रॉम अ मॉडल। आप जिस भी मॉडल को देखते हो, जिससे कुछ सीखते हो, तो क्या होता है कि हम उसको अपने माइंड के अंदर जो है पहले महफूज करते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी नकाली करते हैं या हम उसकी मिमिक्री करते हैं। मिमिक होता है किसी चीज़ की नकल उतारना, वैसा ही करना जैसा कि आपने देखा होता है। तो द मोर यू मिमिक द लर्न बिहेवियर द लॉन्गर यू विल रिटेन इट इन यूर मेमरी। जितना ज़्यादा आप उसको बिहेवियर को जो कि आपने सीखा है उसको दोहराएंगे, उतना ही ज़्यादा जो है ये आपकी मेमरी के अंदर महफूज होता चला जाएगा। तो
किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल जब आप सीख रहे होते हो, आप पढ़ रहे होते हो, तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिपीट करते हो, जितना ज़्यादा दोहराते हो, जितना ज़्यादा उसको समझ कर करते हो, उतना ही आपकी लर्निंग अच्छी होती है। नंबर फोर्थ इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ अब इम्पोर्टेंट फैक्टर। यू हैव टू बी मोटिवेटेड टू मिमिक अ बिहेवियर और एल्स यू विल स्टॉप प्रैक्टिसिंग इट एंड इवेंचुअली फॉरगेट इट। यानी यू हैव टू बी मोटिवेटेड टू मिमिक अ बिहेवियर। किसी भी बिहेवियर को नकली करना या उसकी प्रैक्टिस जो है आप ना करें, उसको बार बार ना दोहराएं, यानी कि तो क्या होगा, इवेंचुअली आखिरकार आप उसको भूल जाएंगे। इसके लिए आपका मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है, आपका मोहरिक होना बहुत ज़रूरी है, आपका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास सामने उस चीज़ के लिए एक मकसद होना चाहिए, एक मोटिवेशन लेवल होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप किसी बिहेवियर को सीखने के लिए आपका का मोटिवेशन लेवल ज़्यादा होगा, उतना ही आप उसको ज़्यादा सीख सकेंगे, आप उन चीज़ों को लर्न कर सकेंगे। सो ऑब्जर्वेशन लर्निंग में ये फोर फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन इज़ अटेंशन, नंबर टू इज़ द रिटेंशन, नंबर फोर इज़ द रिप्रोडक्शन एंड नंबर थ्री इज़ द रिप्रोडक्शन एंड नंबर फोर इज़ द मोटिवेशन। यानी फॉर एग्जाम्पल सिंपली सी आपको आपकी उससे मैं मिसाल देती हूँ कि आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं, मसलन इस लेक्चर को आप याद करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर फुल अटेंशन देंगे, देन जब आप भरपूर तवज्जो के साथ उसको पढ़ेंगे तो आप उसको अपने दिमाग के अंदर उनके कॉन्सेप्ट को महफूज करेंगे। जब आप उसको महफूज करेंगे तो ये दिमाग में और ज़्यादा महफूज कैसे हो सकता है कि हम उसको बार बार दोहराएं, उसको बार बार समझें, उसको बार बार जो है वो हम उसको अपने ब्रेन के अंदर रिपीट करें, दिमाग के अंदर रिपीट करें, इमेजिनेशंस के अंदर हम उनको लेकर आए, तो क्या होगा कि आप जो है उसको ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रख सकते हैं या आप उसको अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। और ये आपका जज्बा या आपका गोल जितना ज़्यादा होगा, मसलन जितना ज़्यादा आप मोटिवेटेड होंगे, जितना ज़्यादा इस सिलसिले में आप एक्टिव होंगे, आपका एक गोल होगा कि आपने ये करना है और ये करके दिखाना है, उतना ही ज़्यादा आपका ऑब्जर्वेशन लेवल जो है वो अच्छा होगा। यहाँ आपको कुछ क्लिप्स दिखाए गए हैं कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो सीखते हैं, किस तरीके से वो मिमिक्री करते हैं। मसलन टीवी के ऊपर अगर आप वायलेंस देखते हो या अपने घर के अंदर बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हुए देखते हैं, तो वैसे ही सीखते हैं। इसी तरीके से गेम्स करना या कोई भी जो लाइफ की चीज़ें होती हैं, आप उन तमाम चीज़ों को वैसा ही जो है वो करते हो। आप जैसे अपने बड़ों को करता हुआ देखते हैं, वैसे ही आप करते हैं। तो ये कुछ क्लिप्स के ज़रिए से आपको इन चीज़ों को समझाया गया है। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए वो कुछ एनिमल्स के ऊपर भी किए गए। ऑब्जर्वेशन लर्निंग हैज़ आल्सो बीन टेस्टेड ऑन एनिमल्स लाइक पिजन्स, फिश एंड मंकीज। डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर ये किया गया एक्सपेरिमेंट और देखा गया कि वो किस तरीके से ऑब्जर्वेशन लर्निंग के ज़रिए से सीखते हैं। इस सिलसिले में ह्यूमिंग बर्ड्स वर ट्रेन टू यूज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ फीडर। दीज बिकेम द ट्यूटर बर्ड्स, और इनको ट्यूटर बर्ड्स बनाया गया। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि देयर वर टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखे, यानी कि बर्ड्स के दो ग्रुप्स लिए गए। ठीक है, इन द फर्स्ट अ ग्रुप ऑफ ह्यूमिंग बर्ड्स वॉज एक्सपोज टू द फीडर एंड टुक अ लॉन्ग टाइम टू फिगर आउट हाउ टू गेट द फूड आउट। एक ग्रुप को लिया गया और उसको एक जार के अंदर जिस तरह से फूड था, और वहाँ पर उनको सामने जब उन्होंने काफ़ी कोशिश के बाद उन्होंने फूड को हासिल किया, और वो ये सीखते रहे कि कैसे फूड को उस जार के अंदर से हासिल करना है। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। जबकि सेकेंड ग्रुप के अंदर क्या था कि पहले से उन बर्ड्स के सामने परफॉर्म कराया गया, उन्होंने देखा कि दूसरे बर्ड जो है वो किस तरीके से उस जार से जो है वो ले रहे हैं, और देखा गया कि जब उन्होंने इस चीज़ को सीखा तो उन्होंने जल्दी जो है वो अपनी फूड को हासिल कर लिया बनिस्बत पहले ग्रुप के। तो इट्स मीन कि
बर्ड्स भी जो हैं वो इमिटेट करते हैं, बर्ड जो है वो सीखते हैं और चीज़ों को जो है वो लर्न करते हैं। रोल मॉडल्स, व्हाट टाइप ऑफ रोल मॉडल्स वी हैव इन ऑब्जर्वेशन लर्निंग, वी डू नॉट मॉडल द बिहेवियर ऑफ ऑल पीपल इक्वली, यानी हम हर तरह के लोगों को या एक जैसा जो है वो एज अ मॉडल जो है वो कंसिडर नहीं करते। हमारे रोल मॉडल कौन हो सकते हैं या हम किन को मॉडल बनाते हैं? एट अ यंग एज पेरेंट्स आर द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस। यंग एज के अंदर बच्चों पर उनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जैसा पेरेंट्स करते हैं बच्चा वैसे ही बिहेव करता है, वो उनको एज अ रोल मॉडल के तौर पर लेता है। और इसी तरीके से उनके टीचर्स जो हैं वो भी एज अ रोल मॉडल जो है वो उनके लिए काम करते हैं, वो उन जैसा बनते हैं। एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, फेमस पीपल इन्फ्लुएंस अस एज वेल। तो जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं या फेमस पर्सन होते हैं वो भी हमारे ऊपर जो है वो असरअंदाज होते हैं और हम उनको ऑब्जर्व करके उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। हाउ एवर द बेस्ट रोल मॉडल्स आर ऑलवेज द पीपल यू आर मोस्ट सिमिलर टू। सबसे ज़्यादा जो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं या सबसे ज़्यादा जिनको आप कॉपी करते हैं या सबसे ज़्यादा जिनसे आप उनको देखकर सीखते हैं वैसा बनते हैं, वो आपके जो हैं आपकी एज फेलो होते हैं, वो आप जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल योर ओन एज एंड जेंडर, मसलन आपकी ही एज के, आपकी ही सेक्स के जो बच्चे होते हैं, मोस्टली बच्चे जो है उन जैसा ही यानी अपने फ्रेंड्स जैसे, अपने पीयर ग्रुप जैसा जो है वो बनने की कोशिश करते हैं और इस सिलसिले में उनको ऑब्जर्व करके उसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसे वो लोग करते हैं। सो दैट हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स के अलावा और दूसरे लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपका इन्वायरमेंट में मौजूद लोग जो है वो इसके अलावा जैसे एज के साथ साथ तो उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं हम उनको भी ऑब्ज़र्व करते हैं और उनसे ऑब्जर्वेशन लर्निंग के ज़रिए सीखते हैं, तो रोल मॉडल के तौर पर उनको सामने रखते हुए उनसे लर्न करते हैं। नो इन द लास्ट वी डिस्कस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ऑब्जर्वेशन लर्निंग में अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जिसको सोशल लर्निंग और मॉडलिंग भी कहा जाता है, और अल्बर्ट बंडूरा ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, उनके मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स को भी हमने यहाँ पर देखा, मुख्तलिफ मॉडलिंग का जो कौन कौन मॉडल्स होते हैं उनको भी हमने डिस्कस किया, और मेन फैक्टर्स जो है हमने देखे जो कि ज़रूरी हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए, उन फोर फैक्टर्स को भी हमने डिस्कस किया। अब हम यहाँ पर उन फैक्टर्स को देखते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग को, उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द पीपल वी परसीव एज वार्म एंड न्यूट्रिंग, वो लोग जो कि हमारे लिए बहुत, हमारे साथ जो है वो बहुत गर्मजोश और हमारे लिए बहुत जो है वो हमें वार्म वेलकम कहते हैं या हमारे लिए बहुत अच्छा जो है वो जज्बा रखते हैं, उनके साथ जो है उन जैसा जो है वो फर्ज उनको ऑब्जर्व करता है, उनसे बहुत कुछ सीखता है। नंबर टू, पीपल हु रिसीव रिवॉर्ड्स फॉर देयर बिहेवियर, हम उन लोगों को भी ऑब्जर्व करते हैं, उन लोगों से भी सीखते हैं, उनको रोल मॉडल के तौर पे लेते हैं, सॉरी रोल मॉडल तो नहीं, हम यानी कि उनको को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, जिनको हम देखते हैं कि उनके बिहेवियर पर उनको सक्सेस या इनाम मिलता है। देन व्हेन यू हैव बीन रिवॉर्डेड फॉर इमिटेटिंग द बिहेवियर इन द पास्ट, इसी तरीके से हमने पास्ट में अगर कोई जो भी बिहेवियर अपनाए हुआ होता है उसके ऊपर हमें अगर रिवॉर्ड मिलता है तो हम उस बिहेवियर को कंटिन्यू रखते हैं। देन व्हेन वी लैक कॉन्फिडेंस इन आवर ओन नॉलेज और एबिलिटीज, इसके अलावा जब हमें अपनी ही एबिलिटीज जो हमारी होती है, सलाहियत होती हैं, उनके ऊपर हमें यकीन नहीं होता या कम यकीन होता है, कम कॉन्फिडेंट होता है, तो हम उन लोगों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं जिनके ऊपर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं। देन पीपल हु आर इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी ओवर अवर लाइफ, इसके अलावा वो लोग जो हमारी लाइफ के अंदर जो है एक पोजिशन रखते हैं, एक अथॉरिटी रखते हैं, जो जो जिनको हम समझते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो सही है, ठीक है, या उनको हम एज अ रोल मॉडल लेते हैं, तो उन
को भी हम जो है हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो उन लोगों के थ्रू भी जो है इन्फ्लुएंस होती है। देन पीपल हु आर सिमिलर टू अस इन एज, सेक्स एंड इंटरेस्ट, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी जो सिमिलर एज, आप जैसी एज, सेक्स और इंटरेस्ट वाले जो लोग होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन या उनको ऑब्जर्व करके हम ज़्यादा सीखते हैं, या हमारी ऑब्जर्वेशंस पर उन लोगों का बहुत इम्पेक्ट होता है। देन पीपल हु वी एडमायर और हु आर इन अ हायर सोशल स्टेटस, इसके अलावा वो लोग जिनकी तारीफ की जाती है या वो हमारे सामने एक हायर सोशल स्टेटस रखते हैं, ज़्यादा जो है वो सामाजिक हैसियत रखते हैं उनको, यानी जिसके अंदर हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ भी आ जाती हैं, जिनमें मुख्तलिफ फेमस पर्सनैलिटी आ जाती हैं, हमारे इर्द गिर्द के वो लोग आ जाते हैं जिनको हम जिनके ऊपर हम ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो वो हमारी ऑब्जर्वेशन पर इफ़ेक्ट करते हैं और हम उन जैसा बनने के लिए हम उनको इमिटेट करते हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो है वो के थ्रू हम सीखते हैं। देन वेन द सिचुएशन इज़ कन्फ्यूजिंग, एम्बिगुअस और अनफेमिलियर, समटाइम हमारे सामने जो है वो सिचुएशन जो होती है वो क्लियर नहीं होती, वो उसके अंदर वो कन्फ्यूज होती है, एम्बिगुअस होती है, मुबहम किस्म की होती है, या हमें उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो देन हम चीज़ों को जो के ऑब्जर्व करते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए, और उनको समझ कर हम अपनी इन एम्बिग्यूटी को, कंफ्यूजिंग सिचुएशन को दूर करते हैं और हम उसे लर्न करते हैं, सो दैट देर आर सो मैनी फैक्टर्स विच इफेक्ट अवर ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज़ कंसिडर्ड इन वेरी इम्पोर्टेंट फॉर्म और मेथड ऑफ लर्निंग, और थ्रू आउट द लाइफ हम इस तरीके के साथ सीखते हैं और हम ऑब्जर्वेशन मेथड्स को अपनी ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और स्पेशली जो हम देखते हैं कि लर्निंग प्रोसेस के अंदर ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू सो मच।